और मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं आज। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है, अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार, ये बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा, अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्यावासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा और इसी के लिए आज हम आपको एहसास कराने के लिए आए हैं। ये जो कार्यक्रम इतनी भव्य रूप में यहां पर आयोजित हो रहे हैं, ये जो स्वरूप है अयोध्या का, ये बदलावा स्वरूप आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कोई सोचता था अयोध्या में 4 लेन की सड़कें होंगी, धर्मपथ के नाम पर होंगी, रामपथ के नाम पर होंगी, भक्ति पथ के नाम पर होंगी, जन्मभूमि पथ के नाम पर होंगी? कोई जानता था इतने फ्लाईओवर अयोध्या के अंदर बनेंगे? कोई कभी कल्पना करता था कि अयोध्या, जहां 4 घंटे 5 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, जो लोग आपको बिजली के लिए तरसाते थे, सड़ी हुई गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वे भी आज राम की दुहाई दे रहे हैं। जो लोग राम जी की पेड़ी में सड़े हुए जल में आपको स्नान करने के लिए मजबूर कर देते थे, वे भी आज अयोध्या आकर के अपना ताल ठोंकना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो राम जी की पेड़ी को ऐसा बना दिया, एक तरफ से आज पानी आता है और दूसरी ओर निकल जाता है। ऐसे लगता है जैसे हरिद्वार की राम जी की पेड़ी आज हर जी की पेड़ी बनकर के यहां के भक्तों को तार रही हो। आज अयोध्या को देश की पहली सोलर सिटी बना दिया गया है। और याद करिए, हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे और तब से अयोध्या में फिर से विमान नहीं उतर पाया था। बहन और भाइयों, मोदी जी की कृपा से अयोध्या इस अवसाद से मुक्त हुआ, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, पूरे देश की कनेक्टिविटी अयोध्या के साथ जुड़ी। जिन लोगों को कार्य नहीं करना था, पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, उससे पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे,